नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मौजूदा स्थिति ने लोगों को कई तरह के अनुभव कराए हैं, क्योंकि भयावह स्थिति में मदद के लिए लोगों की निगाहें सिर्फ उन्हीं को निहारती हैं जिनको उन्होंने खुद चुना है और सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने अपना कीमती वोट देकर चुना है, क्या वो आज जनता के साथ खड़े हैं या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के बाद सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं? क्या है जमीनी हकीकत? करेंगे पड़ताल। खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में सुनो नेताजी कहां हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता को अपने पक्ष में वोट के लिए वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि जनता से किया गया वादा भूल जाते हैं और अपने क्षेत्र से नदारद रहते हैं। एक ओर जहां कोरोना काल में हर कोई अपने जनप्रतिनिधि की मदद की आस लगाकर बैठा है, लेकिन जनता की मदद के लिए विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसी को लेकर न्यूज वन इंडिया ने जौनपुर के मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र से अपना दल की विधायक लीना तिवारी का रियलिटी चेक किया। इस दौरान अपने क्षेत्र की जनता के लिए किए गए कार्यों को लेकर विधायक लीना तिवारी ने गिनाया और बड़े बड़े दावे करने लगी। विधायक जी ने कहा कि क्षेत्र में वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन और पूरे गांव में साफ सफाई का काम लगातार कराती चली आ रही हैं। साथ ही यह भी कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत के समय अपने क्षेत्र की जनता के लिए, बीमार लोगों के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी काम उन्होंने किया है। विधायक लीना तिवारी के आवास पर हैं और देखते हैं कि यहाँ पर विधायक जी अपने आवास पर मौजूद हैं। इन्हें ये अपना अगर छत मनियाहों की यहाँ पर विधायक लीना तिवारी हैं, जिनसे अभी देखते हैं कि आवास पे बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं, और हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने विकास कार्य किया है, किस तरह से जनता के लिए काम किया है। हम विधायक जी के ऑफिस में जाते हैं कि देखते हैं कि विधायक जी बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं। हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बैठी भी हैं और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता के लिए इन्होंने कार्य किया है। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। यह मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से आपने काम किया है। देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने पूरे मड़ियाहूं विधानसभा के क्षेत्र के हर गाँव में मैंने सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करवाई, मास्क बनवाया और दवाइयाँ बंटवाई जो, और लोगों को फ़ोन के माध्यम से और खुद कहीं कहीं जा कर भी मैंने जागरूक किया कि आप लोग मास्क लगाए रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। विशेष रूप से मैं जो बुजुर्ग वर्ग है उनको और जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने ज़्यादा ध्यान आकृष्ट किया। लोगों का देख की जाए कम है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ की मनियाओं की विधायक लीना तिवारी, जिनका साफ मना है कि कोरोना वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता के लिए बहुत काम किया है। और हम सीधे क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि विधायक जी ने किस हिसाब से काम किया है। जबलपुर से देवेंद्र कलेज न्यूज वन। और विधायक लीना तिवारी के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से भी बात की है। तो विधायक लीना तिवारी के बारे में जनता ने मिली जुली राय रखी है। जनता ने बताया कि विधायक जी लगातार क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ी रही हैं, समय समय पर गांव में बराबर लोगों का हालचाल लेती रहती हैं। वहीं कुछ क्षेत्र की जनता ये भी कह रही है कि कोरोना वैश्विक महामारी में विधायक जी कभी गाँव में दिखाई नहीं दी, विधायक जी सिर्फ पंडितों के घर जाती हैं, यादव के घर नहीं पहुँचती हैं। देखिए, हम इस समय मनियाहूं विधायक के क्षेत्र की जनता से ही बात करेंगे। हम इस समय मनियाहूं क्षेत्र की जनता के पास पहुँचे हैं और विधानसभा जो मनियाहूं है उसके क्षेत्र पहुँचे हैं। प्रधान हैं आप, प्रधान हैं तो आपको जानकारी होगी कि विधायिका जी ने यहाँ किस तरह का कार्य किया है। माननीय विधायिका जी ने यहाँ पे तमाम काम किया है और कई लोगों का जो काम रुका था वो भी कम्प्लीट किया है। कोरोना वैश्विक महामारी में उन्होंने किस तरह काम साफ सफाई से लेकर ऑक्सीजन से लेकर, जो कोविड का लहर चल रहा था उसमें विधायिका जी ने कई लोगों को टीका लगवाया, यहाँ पे दवा का छिड़काव कराया, सैनिटाइजर कराया, जो गरीब तबके के थे उनका भी तमाम तरह से मदद भी किया है और लोगों को ये भी जो भी कार रुका है वो आदेश दिए है पूरा कराने के लिए काम किया है। क्या नाम है आपका?
पहले से ज्यादा। विधायक जी कभी दिखाई नहीं यहाँ पर? यहाँ पर अभी देखा नहीं है। देखा नहीं है काम? दिखाई जब दिखाई नहीं दी काम कैसे करेंगे? काम कहाँ किए? तो संतुष्ट नहीं अभी विधायक जी काम से? नहीं कुछ काम नहीं करते। कुछ नहीं? आपका क्या नाम है? राम मूर्त यादव। विधायक जी कभी आई यहाँ पर? भाई तो मैं भी तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो मुंबई रहता हूँ। लेकिन कोरोना काल में आज आए हैं तब से दिखाई यहाँ पर? नहीं हमको तो दिखाई नहीं। नहीं दिखाई दी हमारे यहाँ तो कभी नहीं। कोई साफ सफाई की व्यवस्था दिखाई? समझ नहीं आपका। हमारा नाम सत्यम मिश्र। कहाँ के रहने वाले हो आप? इसी गाँव के रहने। कौन सा गाँव है? देलूपुर। देलूपुर जी। क्या विधायक जी यहाँ आई है? हाँ विधायक जी यहाँ कई बार आई है और जगह जगह सैनिटाइज करवाए, गरीबों को मुफ्त राशन बांटा है विधायक जी ने और क्या वैक्सीनेट करवाया है लोगों को। कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक यहाँ दिखाई नहीं है। हाँ जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं प्रवासी मतलब हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं उनको कहाँ से दिखाई देंगे विधायक जी? जो रहेंगे यहाँ आएंगे उनके क्या कहते हैं कि पुत्र हैं सात्विक तिवारी जी वो भी आते हैं, विधायक प्रतीति वेद प्रकाश चौबे जी वो भी आते हैं गाँव में। प्रदीप कुमार दुबे। विधायक जी यहाँ कभी दिखाई करो काल में? हाँ हमेशा आती हैं। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं लेकिन विधायक जी ने उनको कहा और वो अब आने लगे साफ सफाई करने लगे। विधायक जी आने लगातार कोरोना काल में काम किए हैं? बिल्कुल काम किए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है उनसे ही बात करते हैं। दादा आपका क्या नाम है? इंद्रमण मिश्र। विधायक जी आती हैं यहाँ कोरोना काल में? विधायक जी आती हैं उनके वो आते हैं क्या नाम से की सात्विक माने यह सब आते हैं। क्षेत्र की जनता जिनका साफ करना है कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ने यहाँ बहुत कार्य किया और कुछ लोगों का साफ करना है कि विधायक जी यहाँ दिखाई ही नहीं दी और हम तो यादव बस्ती में कभी नहीं दिखाई दी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर अलग अलग मत मिल रहे हैं सबको, विधायक जी कुछ लोग कह रहे आ रहे हैं कुछ लोग कह रहे नहीं आ रहे। ऐसे में विधायक जी किस तरह से काम किए हैं ये तो देखने वाली चीज़ है और विधायक जी से हमने जब बात किया उन्होंने लगातार यही कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता के लिए हम तमाम काम किए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इसी गांव से सभी लोग ग्रामीण लोग मत आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे में विधायक जी सवाल उठता है। दोस्तों से देवेंद्र सरीद न्यूज़ 8।